हेलो एवरीवन, आज हम एनआईटी गोवा को टोटली एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम हमेशा की तरह जेईई मेंस के कट ऑफ तो देखेंगे ही, साथ ही में हम यहाँ का फी स्ट्रक्चर और हर ब्रांच का यहाँ पे कैसे प्लेसमेंट होता है, कौन सी ब्रांच अच्छा परफॉर्म करती है, किस ब्रांच का अच्छा एवरेज सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, ये भी हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में आज देखने वाले हैं। और इसके अलावा गाइस, आज हम पहली बार एनआईटी की प्लेसमेंट प्रोसेस भी जानेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, उनको कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। सब्सक्राइबर्स फॉर लेटेस्ट एंड यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स। सो गाइस, सबसे पहले हम यहां पे बीटेक का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम जेईई कट ऑफ एंड लेटेस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, तो आपको यहां पे फुल ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है, जो नियर अबाउट 66,000 पर सेमेस्टर के आसपास होती है। और ये जो फीस की बात कर रहे हैं हम गाइस, ये ईयरली चेंज भी होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का ट्यूशन फी यहां पे जीरो रहने वाला है। वहीं जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को 2/3 यहां पे ट्यूशन फी देनी है। हॉस्टल एंड मेस फी की भी अगर हम बात करें, तो नियर अबाउट आपको यहां पे 30,000 के आसपास का पर सेमेस्टर का हॉस्टल एंड मेस फी भी पे करना होता है। अब जो स्टूडेंट्स गाइस एससी एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी यहाँ पे ट्यूशन फी जीरो रहेगा, लेकिन उनको भी कुछ एकेडमिक फीस पे करनी पड़ सकती है, जो 5,000 के आसपास हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और हॉस्टल एंड मेस फी की बात करें, तो आपको भी नियर अबाउट 30,000 के आसपास हॉस्टल एंड मेस फी लगने वाला है। और इसमें भी अगर आप चाहे तो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक्स फीस भी माफ हो सकती है और आपके हॉस्टल एंड मेस फी की भी खर्चे आपको आपके स्कॉलरशिप में मिल सकते हैं। सो गाइज, ये तो हो गया आपकी टोटल बीटेक की फीस स्ट्रक्चर की डिटेल। अब हम बात करते हैं जेईई मेंस के कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम सिविल ब्रांच से स्टार्ट करेंगे। इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप देख रहे हैं, कोर्स नेम है यानी कि सिविल इंजीनियरिंग है, फिर कैटेगरी है जितने भी आपकी कैटेगरी है, चाहे ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओपन एससी एसटी हो। अब इसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको मेल स्टूडेंट्स का कॉलम दिख रहा है, जिसमें हमने दो सब कॉलम करके रखे हैं। होम यानी कि जिनका गोवा स्टेट है मेल स्टूडेंट्स, उनका होम कॉलम रहेगा, और अदर कॉलम यानी कि आउट ऑफ गोवा का कॉलम। सेम यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स का भी हमने दिया है, फीमेल होम यानी कि आप गोवा के अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका कट ऑफ क्या रहेगा, इस चार्ट में आप देख सकते हैं। वहीं अदर यानी कि आउट ऑफ गोवा के अगर आप हो, तो आपके लिए ये कॉलम रहेगा। फिर अलग से यहाँ पे और एक लास्ट कॉलम है, दीव, लक्षद्वीप, दमन, दादर नगर हवेली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए सेपरेट यहाँ पे कॉलम दिया है, क्योंकि इनके लिए गोवा एनआईटी होम एनआईटी है। तो इस कैटेगरी के भी हमने यहाँ पे मेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कट ऑफ रहेगा, इवन फीमेल्स के क्या कट ऑफ रहेंगे, ये सब दिए हैं। अब मान के चलिए, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है और आप मेल कैंडिडेट हो और गोवा से बिलोंग करते हो, तो आपका 1 लाख के अंडर अगर रैंक है, तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। अगर आप आउट ऑफ गोवा के स्टूडेंट हो और ओबीसी कैटेगरी, तो आपका 10,000 के अंडर का रैंक होगा, तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। वहीं दीव दमन से अगर आप बिलोंग करते हो और आप मेल कैंडिडेट हो, तो आपका 40,000 के अंडर अगर रैंक हो, तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। तो चार्ट को आप अच्छे से समझिए, इस वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और अपने कैटेगरी अनुसार आप यहाँ पे कट ऑफ देखिए। फिर नेक्स्ट कट ऑफ की बारी आ जाती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। अपने आप में काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच है ये। अब कई लोग कहते हैं कि सर, गोवा जैसे एनआईटी में सीएससी जैसी ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं, तो आपको जल्द ही पता चलेगा जैसे आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक हमारे देखेंगे आगे, तो आप चौंक जाओगे। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आप ओपन कैटेगरी के मेल स्टूडेंट्स हो और होम स्टेट से बिलोंग करते हो, 22,000 के अंडर का आपका कट ऑफ होना चाहिए। वहीं ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ अगर देखें, हम मेल कैंडिडेट का 8,000 के अंडर रहेगा, फीमेल का ऑल ओवर इंडिया 13,000 के अंडर, एंड फीमेल की अगर हम बात करें दादर नगर हवेली या फिर दीव दमन में, तो 40,000 के अंडर अगर आपका रैंक है, तो आपको सीएससी मिल सकता है। अब इसे भी आप थोड़ा पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। तो यहाँ भी सेम सभी चीज़ें वैसे ही है,
आप अपने कैटेगरी अनुसार यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई EWS कैटेगरी का मेल स्टूडेंट है और वो आउट ऑफ गोवा का है, तो यहाँ पे आपको 2000 के अंडर का अगर रैंक है तो ऐसे हाई डिमांडिंग ब्रांच में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। फीमेल स्टूडेंट्स की भी अगर हम बात करें, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करती हो तो आपको 29,000 के अंडर का रैंक होना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल चार्ट है गाइस, फिर से मैं कहूँगा थोड़ा इसे पॉज करके अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो टोटल यहाँ पे 5 इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है NIT गोवा में, इसे आप ध्यान में रखिए। तो मैकेनिकल में भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन कैटेगरी अगर आपकी हो और आप फीमेल होम कैंडिडेट हो तो आपका 60,000 के अंडर अगर कट ऑफ है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। मेल कैंडिडेट होम हो तो आप 50,000 के अंडर का आपका रैंक होना चाहिए जेई में, तो आपको ये मिल सकती है ब्रांच। वहीं ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो 20,000 के अंडर का अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच जरूर मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी अपने आप में काफ़ी डिमांड में चलती है ब्रांच। अब मान के चलिए आप गोवा के होम कैंडिडेट हो और OBC की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रैंक आपका 60,000 के अंडर हो तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। अब ऑल ओवर इंडिया का अगर हम कट ऑफ देखें अदर के कॉलम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 7,000 के अंडर का अगर आपका रैंक आता है तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। वहीं फीमेल का ऑल ओवर इंडिया में अगर 11,000 के अंडर का रैंक आता है तो आपको ये ब्रांच मिलने की पूरी संभावनाएं है। वहीं दीव दमन लक्षद्वीप की अगर हम बात करें और आप OBC मेल कैंडिडेट हो तो 37,000 के अंडर का आपका रैंक होना चाहिए एंड फीमेल का भी सेम ही यहाँ पे रैंक रहने वाला है। सो गाइज यहाँ पे हमने 5 इंजीनियरिंग के ब्रांचेस एंड उनके एक्सपेक्टेड एंड लास्ट ईयर के कट ऑफ देख लिए हैं, ताकि आपको एक एवरेज आइडिया आ जाए कि आपको आपके कट ऑफ अनुसार कौन सी ब्रांच मिल सकती है या फिर NIT मिल सकता है। और मैक्सिमम NIT के ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पेजेस में ये सब बातें देख सकते हैं। तो अब बारी है प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट में हम सबसे पहली बार यहाँ पे NIT का प्लेसमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट का प्लेसमेंट कैसे होता है। सो गाइस प्लेसमेंट की शुरुआत होती है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से, यानी हर रेप्यूटेड एंड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में गाइस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है। तो सबसे पहले ये डिवीजन गाइस अपने वेबसाइट पे JAF की अनाउंसमेंट करता है, यानी कि जॉब अनाउंसमेंट फॉर्म, जो हर इंटरेस्टेड कंपनी को यहाँ पे फिल करना पड़ता है। यानी कि जितनी सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज रहेगी इन सबको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, ताकि वो कंपनीज NITs में स्टूडेंट्स को हायर कर सके। और JAF फॉर्म्स में कंपनीज को कई सारी डिटेल्स भरनी होती है, जैसे स्टूडेंट्स का पैकेज क्या रहेगा, किस टाइप के स्टूडेंट्स उनको चाहिए, किस टाइप का जॉब पोजीशन रहने वाला है। अब ये सब होने के बाद जो प्लेसमेंट डिवीजन है वो एलिजिबल स्टूडेंट्स का डेटा जमा करता है और उन सभी स्टूडेंट्स के रेज्यूमेस या फिर उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देता है। और इवन गाइज अगर ज़रूरत पड़े तो ये डिवीजन स्टूडेंट्स के रेज्यूमेस पर्टिकुलर कंपनीज को भी भेज देता है। और सभी डाटा क्रॉस चेक करने के बाद कई सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट होती है। और इवन जब स्टूडेंट्स के रेज्यूमेस कई सारी कंपनीज को मिल जाते हैं तब यहाँ पे प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और कंपनीज को उनके अनुसार कन्वीनियंट टाइमिंग्स भी दिए जाते हैं। और गाइस जो भी कंपनी यहाँ पे NIT में प्लेसमेंट के लिए आती है तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स को हायर करने को लेके। कुछ का रहता है कि PPT हो गया या फिर कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरव्यू तो कॉमन ही रहता है, इवन ग्रुप डिस्कशंस भी कॉमन होते हैं। तो इन सब प्रोसेस को कोई स्टूडेंट जब पास कर लेता है तभी वो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको हायर करना है या नहीं करना है। इवन सम टाइम कुछ कंपनी स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में भी रखती है, बट एंड ऑफ द डे गाइज फाइनल लिस्ट रेडी हो जाता है और इसमें उन सभी स्टूडेंट्स के नाम रहते हैं जिनको कंपनीज ने हायर किया है। और यही लिस्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीजन भी सभी के साथ शेयर भी करता है। तो चलिए गाइज अब देख लेते हैं कि NIT गोवा में इस बार कितनी कंपनीज आई थी और कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने हायर किया है। सो गाइज NIT गोवा में इस बार मोर देन 150 कंपनीज आई थी और यहाँ पे उन्होंने लगभग 205 ऑफर्स दिए थे स्टूडेंट्स को और 103 स्टूडेंट्स फाइनल प्लेस भी हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी पैकेज इस बार 44 लाख पर एनएम का मिला है, यानी कि आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि कितने क्रूशल स्टेप से ये स्टूडेंट्स गया होगा जिसको 44 लाख पर एनएम का पैकेज मिला है। और एवरेज पैकेज की बात करें गाइज तो यहाँ पे 13 लाख रुपीज का एवरेज पैकेज रहा है। तो चलिए गाइज अब हम थोड़ा सा ब्रांच वाइज स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सी ब्रांच यहाँ पे सबसे फेमस है और किस ब्रांच के कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम फेमस ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे प्लेसमेंट ड्राइव में, और 25 में से 25 प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 100% प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 44 लाख रहा है, एवरेज सैलरी 16 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी 100% प्लेसमेंट हो चुका है, 26 में से 26 प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 24 लाख पर एनम का रहा है, एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 13 लाख रुपीज पर रहा है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए थे प्लेसमेंट ड्राइव में, जिनमें से 24 सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि लगभग 96% का प्लेसमेंट रेशियो हमें मिलता है। इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 20 लाख पर एनम का रहा है, एंड एवरेज पैकेज इस ब्रांच का 10 लाख रुपीज पर एनम का रहा है। फिर मैकेनिकल ब्रांच की बात करते हैं तो 23 स्टूडेंट में से 18 स्टूडेंट्स अभी तक प्लेस हो चुके हैं, हाईएस्ट सैलरी 9 लाख रुपीज़ एंड एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 7 लाख रुपीज़ रहा है। फिर सबसे लास्ट सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 19 में से अभी तक 10 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, और हाईएस्ट सैलरी सिविल में अभी तक 7.5 लाख रुपीज़ मिला है, और एवरेज 6.8 लाख रुपीज़ पर एनम का रहा है। तो ऐसे गाइज आपने एनआईटी गोवा का अभी प्लेसमेंट्स देख लिए हैं, आपको पता भी चल गया कि प्लेसमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है और कैसे एनआईटी गोवा का प्लेसमेंट हुआ है। सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं, आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।